नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के पास। लेकिन आपको बता दें, आज बहस का मुद्दा क्या है? आज बहस का सिर्फ एक ही मुद्दा था जो सबसे बड़ा था, वो था कि भारत बंद किसानों ने बुलाया था, कितना असर पड़ा, इस पर भी बात करेंगे। भारत बंद के दौरान देश में किन किन जगहों पर हंगामा हुआ, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि सरकार का मन क्या है इन तीन किसान बिल को लेकर। मैं सवाल भी बताऊंगा आपको देश की बहस का, मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे जवाब भेज सकते हैं। लेकिन आप देखिए, 65% लोगों का यह कहना है क्या कृषि कानून वापस लेने से किसानों का भला हो जाएगा। आज इसी सवाल पर हम बहस करेंगे। सीधे चलते हैं केंद्रीय सूचना प्रसारण और पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के पास, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किसान संगठन सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं और उन्होंने मीटिंग में हाँ या ना लिख के भी जवाब मांग लिया सरकार से, पिछली जो उनकी वार्ता हुई थी। क्या सरकार तीन किसान कानून को वापस लेने पर किसी तरह का विचार कर रही है, जो उनकी मांग है? मुझे लगता है हमारे मंत्रियों ने जो सहभागी हो रहे हैं चर्चा में, उन्होंने साफ किया है कि कानून का सही परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो कानून बदलने की मांग ही खत्म होगी, क्योंकि जो गलत फहमियां पैदा हुई है उसको दूर करना जरूर हमारा काम है, जो हम करेंगे। और जिसमें पहला मुद्दा है कि भाई एपीएमसी खत्म होगी, नहीं होगी, इस साल भी नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। एक नई दुकान निकलेगी कि जहां भी किसान जा सकता है, लेकिन एपीएमसी में ही उसको अगर दाम मिला तो वो क्यों बाहर जाएगा? बाहर ज़्यादा दाम मिलेगा तभी जाएगा ना, तो वो एपीएमसी चालू रहेगी किसी भी अवस्था में। दूसरी, एमएसपी जो है वो खत्म नहीं होती, क्योंकि एमएसपी आज है, कल था, आज है और कल भी रहेगा आने वाले कल में। और महत्वपूर्ण बात है कि एमएसपी 55 साल से चल रही है, कानून नहीं है लेकिन 55 साल से चल रही है, वही व्यवस्था चालू रहेगी, ये भी बताया है, सरकार ने साफ किया है। तीसरी बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में केवल फसल का सौदा होगा, जमीन का नहीं होगा। तो यही तो कानून का मुद्दाराएं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का बंद में जिस तरह से देश भर के किसान लाखों के संख्या में नहीं जुड़े, ये हमें समझना चाहिए। हाँ, पंजाब में जरूर गलत फहमी है, वो दूर करेंगे और हम कर रहे हैं, लेकिन ये किसने भड़काया किसान भी सोचेगा, किसने गुमराह किया ये किसान भी सोचेगा। और आज बंद जैसे फेल रहा, वैसे ही ये हमें समझना चाहिए कि चर्चा मात्र सफल होगी और निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। आप कह रहे हैं समाधान निकलेगा, लेकिन मैं आखिरी मीटिंग की बात कर रहा हूं जिसमें यस और नो वाली बात हुई थी। अभी भी किसान नेता सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि पहले बिल वापस लो, उसके बाद आगे की बातचीत होगी, उसके बाद नए बिल पर बातचीत करने के लिए वो तैयार हैं। ऐसे में सरकार क्या करेगी? सरकार के ऑप्शंस तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं प्रकाश जी। 50 साल का, मेरा भी 50 साल का आंदोलनों का और आंदोलन सुलझाने का अलग अलग तरीके से अनुभव है। और इस अनुभव को मैं ये कहूँगा कि ऐसा कुछ भी कहेंगे उस दौरान कि भाई यस और नो, ऐसे हर प्रश्न का यस और नो में जवाब नहीं होता है, और वो भी समझते हैं और फिर एक समाधान पे आते हैं। वो उसके लिए मैं मानता हूँ कि ये भी चर्चा ठीक दिशा में जा रही है, वो समाधान निकलेगा। आप कह रहे हैं समाधान निकलेगा, लेकिन आज भारत बंद की बात कर लेते हैं। कई राजनीति, जितने भी तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, इन्होंने खुलकर बंद का समर्थन किया। कई जगह हमने तस्वीरें भी देखी, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भारत बंद करवाते हुए देखे गए। क्या आपको लगता है किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष चला रहा है? पहले तो आज समझना चाहिए कि भारत बंद आज का सफल नहीं रहा, क्योंकि देश के पूरे किसान उद्वेलित नहीं है, आंदोलित नहीं है। नहीं तो लाखों के तादाद में हर जगह किसान बाहर निकलते तो अलग चीज़ होती, ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, राजनीतिक पार्टी के चंद कार्यकर्ता इकट्ठा आकर कभी टायर जलाए, कभी कुछ किया, कभी 50 लोग रेलवे के सामने सो गए, इतना ही हुआ है। तो मुझे नहीं लगता
कि बंद का कोई सफलता थी। बंद ये लोगों को भी समझेगा, पंजाब के किसान को भी समझेगा कि देखो देश का पूरा किसान नाराज नहीं है, देश का किसान इसका स्वागत कर रहा है और इसीलिए वो इस आंदोलन में नहीं आया है। तो इसलिए अब आंदोलन समाप्त करना ही बेहतर है और आंदोलन समाप्त करने का एक समाधान का निश्चित होगा कि जिसमें किसानों को भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने केवल आंदोलन किया कुछ नहीं मिला, लेकिन उनकी जो आशंकाएं हैं वो दूर होगी। लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संवाद करने में, कम्युनिकेशन करने में बहुत माहिर है, लेकिन प्रकाश जी इस बिल के बारे में किसान बार बार कह रहे हैं हमने तो मांगा ही नहीं, फिर क्यों दे दिया, हम तो चाहते ही नहीं थे, फिर सरकार बिल क्यों ले आई, इस तथ्य को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये भी गलत है। किसानों की 40 साल से दो ही मांगे थी। पहली मांग थी कि हमें लाभकारी मूल्य मिले, जो मोदी जी ने दे दिया कॉस्ट प्लस 50%। लेकिन दूसरी मांग उनकी थी कि एपीएमसी के चंगुल से हमें आज़ादी दिलाओ, निजात दिलाओ, और वो आज दी है। ये किसानों की ही 40 साल से मांग है, आज की नहीं। और इसलिए बिल तो 2007 में एपीएमसी लॉ रिफॉर्म्स के बिल यूपीए सरकार ने तैयार किए थे और शरद पवार ने सभी मुख्यमंत्रियों को भेजे थे और 10 राज्यों ने स्वीकार भी किए। तो 10 राज्यों में आज एपीएमसी के सुधार लागू है ही, केरल जैसे राज्य में तो एपीएमसी है ही नहीं। तो सभी प्रकार अपने देश में मौजूद है। अब ये देश भर के लिए एक कानून बना तो उसका क्यों विरोध? 10 राज्यों ने खुद बनाए, वहाँ कोई विरोध नहीं कर रहा है, उनका स्वागत हो रहा है, तो यहाँ भी वही है। दूसरी चीज़, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी कानून 15 राज्यों में बनाया है जब कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, तो सभी राज्यों में बना है, तो अब क्यों आपत्ति है बाबा? तो ये राहुल गांधी कभी भी कुछ भी भूमिका बदलते हैं, हिपोक्रेसी है, पाखंड है, उनका पर्दाफाश हो गया है। और इसलिए किसानों ने भी कहा, अभी मैंने देखा किसानों ने कांग्रेस के नेताओं को भी वापस भेजा, पॉलिटिकल सहभाग वो नहीं चाहते हैं, और फिर भी ये बाहर अपने अपने तरीके से कुछ छोटा मोटा छुटपुट प्रदर्शन करके भारत बंद का एक एहसास दिलाना चाहते, वो सच नहीं हुआ। आज भारत बंद नहीं हुआ। प्रकाश जी, भ्रम की स्थिति है कृषि कानून पर, यह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन पंजाब में चीजें हाथ से क्यों निकली? क्या केवल पंजाब में, केवल पंजाब में आंदोलन के पीछे आप किन लोगों को देख रहे हैं? नहीं, ये केवल आंदोलन की जो स्थिति है और जो आशंकाएं हैं वो केवल पंजाब के किसानों को जानबूझकर भ्रमित किया गया है और वहाँ के तीनों राजनीतिक दलों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है। मुझे विश्वास है कि अकाली दल को तो मालूम है कि कैसे कानून बना है, क्यों बना है, और मालूम है, फिर भी उन्होंने तय किया, समझा कि एनडीए से हम बाहर जाएंगे, मंत्री पद का इस्तीफा देंगे, वो उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा। और आज वास्तविकता है कि सारे देश भर में किसानों ने इसका स्वागत किया है और इसीलिए वो बंद में शामिल नहीं हुए। प्रकाश जी, ऐसा क्या हुआ कि अकाली दल जैसा आपका सबसे पुराना सहयोगी खुद इस बिल को नहीं समझ पाया? क्या आपको नहीं लगता सरकार के पार्ट पर कोई कमजोरी रही, इस बिल के बारे में ठीक संवाद नहीं हो पाया? क्या अकाली दल को आप रोक नहीं सकते थे, अकाली दल को आप मना नहीं सकते थे? नहीं नहीं, उनको रोकने के सारे प्रयास हुए, लेकिन फिर भी एक राजनीति की, उनकी पंजाब की राजनीति की एक मजबूरी होगी, उसके लिए उन्होंने किया होगा, या दूसरी कोई मजबूरी होगी जो वो बता नहीं सकते। ठीक है, आप, मैं किसानों के लेवल पर यह समझना चाहता हूं कि सरकार ने शुरुआत में कहा कानून नहीं हटेंगे, वो हटाने की मांग पर अड़ गए। अगर सरकार शुरुआत में फ्लेक्सिबल रवैया अपनाती और कहती कि भाई, पहले तो वो संशोधन पर ही राजी थे कि चलिए हम संशोधन के लिए तैयार हैं, बात करते हैं, तो शायद इस तरह की परिस्थिति नहीं बनती। क्या आपको लगता है सरकार से इस इशू पर मिसहैंडलिंग हुई है किसी तरह की?
मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका समाधान जल्दी निकले तो ये विषय समाप्त होगा। बाद में विश्लेषण करने के लिए सारे पत्रकार आजाद है ही, वो तब बताएंगे, तब चर्चा भी करोगे, हम भी आएंगे। प्रकाश जी, एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूं, अगर वो हाँ या ना में जवाब मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हर सवाल का जवाब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता, तो बातचीत के लिए फिर क्या स्कोप बचता है? क्योंकि आप खुद एक आंदोलनकारी रहे, आपने कई आंदोलन इस तरीके के देखे हैं। अब कल जब अगले दौर की बातचीत होगी तो क्या स्कोप रहेगा बातचीत के लिए? कल फिर यस और नो का पर्चा दिखा देंगे वो? नहीं होगा, आज के बंद के बाद, आज के बंद के बाद किसानों को भी समझेगा कि देश भर के करोड़ों किसान इस आंदोलन में नहीं आए, तो इसका मतलब किसानों के केवल पंजाब में एक गलत फहमी के शिकार है, तो वो भी समझेंगे और ये स्थिति सामान्य होगी। आज के बंद का एक तरह से फायदा ही हुआ कि बंद किया, सच्चाई सामने आई, किसान पर भी, किसान को भी वापस जाना है और किसान को भी मजबूर हुआ है कि वो फिर से विचार करे कि इस तरह से आड़ियल रवैया कितने दिन चल सकता है। प्रकाश जी, आप पुणे से आते हैं और वहां पे भी कई इलाकों में कई सारी बड़े जिसको कैश क्रॉप्स कहते हैं वो होती है, आप बताएंगे अपना कोई उदाहरण जिसमें आपको लगा हो कि इस किसान ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी, सीधे ये कंपनी को बेच रहा है जिसका फायदा हुआ? नहीं, मुद्दा ये है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी कानून हुआ है तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, अनेक कंपनियों के डेयरी से लेकर बाकी सब में भी उनका फसल में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और ऐसे उदाहरण महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, सभी राज्यों में है और जहां किसान की मर्जी से ही होता है, किसान की मर्जी नहीं है तो नहीं होता है। और इसलिए यह हमें समझना चाहिए कि किसान के मर्जी का मालिक है, उसके बिना कुछ नहीं होगा और उसके जमीन को जरा भी खरोच नहीं आएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो लोग लगातार कह रहे हैं कि जमीन छिन जाएगी चल रहा अगर मैं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करूंगा अगर मेरी शर्तें कहीं ऊपर नीचे हो गई। नहीं, नहीं होती है। किसानों को यह मालूम है कि खरीद बिक्री में मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर बिक्री की कीमत जो तय हुई है कॉन्ट्रैक्टर और उसमें अगर कुछ भी किसी भी तरह से किसान अगर नापसंद करता है तो वो बाहर जा सकता है। तो ये कानून है, उल्टा संरक्षण देता है और ये केवल फसल का होगा, ज़मीन का नहीं होगा, ये भी उसमें बात साफ है। इसलिए उल्टा सीधा होने की कोई संभावना ही नहीं है। और इसी से देखो मूल मुद्दा क्या है दीपक जी, मूल मुद्दा यह है कि भारत में खेती की उत्पादकता दुनिया से आधी है। दुनिया में एक एकड़ में जितना उत्पादन होता है उसका आधा ही उत्पादन हमारे एक एकड़ में होता है, तो इसलिए हमें उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, दुनिया में और एक्सपोर्ट करने की जरूरत है, उससे देश अमीर होता है। तो ये जो करना है उसके लिए किसान के खेत से उत्पादन अगर बढ़ना है तो निवेश चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, नए औजार चाहिए, नए प्रकार के बीज चाहिए, नए प्रकार की व्यवस्था चाहिए। तो ये व्यवस्था तभी आएगी जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, तो लोग कोई गलत नहीं मानेंगे और उसको फायदा, मुनाफा ज़्यादा बढ़ेगा, डबल कीमत आएगी तो डबल कीमत उसको भी तो मिलेगी, तो उसका फायदा ही फायदा है। ठीक है, आपने कहा फायदा ही फायदा है। जो दूसरा मुद्दा है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है सर। अगर किसान चाहता है कि बिल में एक लाइन लिख दें कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते रहेंगे तो शायद वो मान जाता। क्या कानून इस तरह से बनाया नहीं जा सकता एमएसपी का, या इस बिल में उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता? अगर किसान इतनी सी मांग कर रहा है तो सरकार इसे कानून में शामिल क्यों नहीं कर लेती? क्या तकनीकी दिक्कत है? नहीं, आप समझ लीजिए दीपक जी, 55 साल से एमएसपी है, कहीं किसी कानून में नहीं लिखा है, लेकिन 55 साल से चल रहा है व्यवस्था। तो जो आज तक बिना लिखे चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा, जो 55 साल से एमएसपी की व्यवस्था है वैसी ही आगे भी चलेगी।
ठीक है, एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा सर, कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान आता है, भारत आपत्ति करता है, यूके के कई सांसद सोशल मीडिया पर इसका समर्थन कर रहे हैं, हमने देखा हाल ही के दिनों में किस तरह के नारे इन किसान आंदोलन के अंदर लगे, हालांकि मैं मानता हूं कि वो एक बहुत ही मुट्ठी भर लोगों का धड़ा है, पर कौन इसके पीछे है, क्या इसके पीछे आपको कुछ कट्टरवादी सोच या अलगाववादी सोच नजर आती है जो पीछे से इसको पुश कर रहे हैं इस आंदोलन को? इसमें देखो दो बातें हैं और ये गंभीर है। एक तो विदेश का संबंध होने के कारण विदेश मंत्रालय ने इसको अपने तरीके से डील किया है और ट्रूडो का कहना ठीक नहीं है ये भी बता दिया है, उनके वकील को बुला के भी, एम्बेसडर को बुला के भी बता दिया गया है, और उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया का है उसके बारे में भी जो कहना है वो कहा गया है। तो इसमें मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक सच्चाई है कि लंदन में प्रदर्शन हुए भारतीयों के, न्यूयॉर्क में हुए और कनाडा में हुए, तीनों जगह बहुत दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, खालिस्तान के झंडे दिखे, खालिस्तान के वो जो जिनका स्मरण करते वो चित्र दिखे, वही बैनर दिखे, तो ये बहुत गलत है। कौन कैसा ऐसे आंदोलन का भी कैसा लाभ उठाना चाहते, कौन सी ताकत है, ये भी हमें देखना चाहिए और उस पर नजर रखनी चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है ऐसे आंदोलन को लेकर, खासतौर पर जो अमेरिका और लंदन के प्रदर्शन की सरकार बात कर रही है, कनाडा ने तो सार्वजनिक तौर पर कहा। नहीं तो इसीलिए सरकार बिल्कुल हरकत में है और सरकार निश्चित रूप से सब अब चित्र पूरा पिक्चर प्रोफाइल ही मिलती है, तो आप चिंता मत करिए, ऐसे किसी भी ताकतों को बढ़ने नहीं देंगे और निश्चित रूप से देश की एकता पर कोई आंच नहीं आने देंगे। चूंकि सर मामला पंजाब से जुड़ा है, एक बुरा एक्सपीरियंस पंजाब के साथ हमारा रहा है, तो क्या आपको लगता है इसलिए मुद्दा कहीं ज्यादा सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि जिस तरह से आपने इन तीन प्रदर्शनों की बात की वो भी देश के बाहर, वहां पे इस तरह के नारे लगे, ज्यादा सेंसिटिव हो गया है ये मुद्दा, आपको लगता है सर? नहीं, ये देखो कुछ ताकतें ऐसी होती है कि किसी भी परिस्थिति में फायदा उठाने की सोचती है, लेकिन ये ताकतों ने बहुत प्रयास किया। हमने 50 साल कश्मीर में, 70 साल से पाकिस्तान क्या कर रहा है देखा और उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, यहाँ नहीं चलता है ऐसी काम, और ये साफ हो गया है, और इसलिए हम मानते हैं कि ये जो भी प्रदर्शन है एक तरह से उनके निराशा का ही प्रदर्शन है, उनको सफलता नहीं मिल रही है इसका प्रदर्शन है, और इसलिए ये सफलता उनको कभी नहीं मिलेगी। और किसान अलग है, राजनेता अलग है, और ये ताकतें अलग है जो बाहर दिखती है, तो ये सभी को समझना चाहिए, किसान भी समझेगा, क्योंकि किसान हमारा देशभक्त है, हमारा ही किसान है, जैसे बाकी देश का किसान है वैसे ही पंजाब का किसान है, ये हम समझते हैं। आखिरी चीज सर, नेशनल टेलीविजन पर आप हैं, आप खुद सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे किसानों को? आज किसानों को इतना ही कहूंगा कि अब ये यस और नो वाली भाषा नहीं चलेगी, अभी खुले दिमाग से, खुले मन से हमें करना चाहिए कि अगर बाकी राज्यों के किसान अगर आंदोलित नहीं है तो आप हमारे आंदोलन में कुछ गलतियां है क्या, कोई गलत फहमियां है, तो उसके बारे में जरूर चर्चा करें और उसका समाधान निकालें, यही मेरा कहना है। आंदोलन किसी के भी फायदे में नहीं होता, देश का नाम खराब होता है, देश की तरक्की रुकती है, ये नहीं होने देना है, और इसलिए किसान को भी आगे आकर इसकी समस्या का हल करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी हमसे जुड़ने का और इतनी बेबाकी से इन पूरे किसान बिलों को समझाने का, उसके ऊपर एक पर्सपेक्टिव देने का। देश नमस्कार। देश की बहस की हम शुरुआत करते हैं और आज हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि क्या
किसान कानून वापस ले लेने से किसानों का भला हो जाएगा। देश की बहस का हमारा यही आज मुद्दा है और मैं अपने पूरे पैनल को जोड़ूंगा। मैं आपको ये बता दूं आज का हमारा देश की बहस का सवाल क्या है। देश की बहस के सवाल आपको दिखाते हैं और आप सवाल का जवाब हमारे प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया के उस पर जा कर दे सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले आज का हमारा सवाल क्या है। हम बड़ा दो टूक सवाल पूछ रहे हैं, क्या कृषि कानून पर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है जो सरकार बार बार कह रही है। देश की बहस में इसका आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप वेबसाइट पर आप हमारी जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आप 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीधे मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूं, नलिन कोहली जी वरिष्ठ वकील और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा है जो कि कंज्यूमर अफेयर्स के एक्सपर्ट है, बहुत अच्छी तरह से हमको समझा सकते हैं कि क्या कंज्यूमर को इसका पूरा फायदा होने वाला है। मेरे साथ थोड़ी देर में कंवल सिंह चौहान जुड़ेंगे जो कि एक किसान है। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वो मेरे साथ हैं। हरवीर सिंह जी हिंद किसान के एडिटर हैं और साथ ही साथ देश के जाने माने कृषि पत्रकार हैं। सतनाम सिंह साहनी साहब एक किसान हैं और इस आंदोलन के अंदर शामिल हैं। सतनाम जी, मेरा सीधा सवाल जिस बात पर आज छोड़ा था प्रकाश जावड़ेकर जी ने, उनका साफ कहना है कि यस और नो की भाषा नहीं चलेगी, किसानों को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और किसानों को भी सोचना चाहिए कि आंदोलन किसी का भला नहीं करते। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है इस पर? दीपक जी, हमने मंत्री जी का बात सुना। पहली तो बात यह है कि पंजाब का किसान देशभक्त है, पंजाब के किसानों ने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, ये आप सब जानते हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब के किसान को कोई भ्रमित नहीं कर सकता। किसान इसलिए आंदोलन लड़ रहा है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई जतन नहीं किया था पहले इन कानूनों को लागू करने से पहले, किसानों की बात बिल्कुल नहीं मानी गई ना सुनी गई है। जब सरकार बात नहीं सुनेगी तो किसानों के पास आंदोलन करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। हम आंदोलन करते हैं कि हमारा एपीएमसी जो मंडीकरण सिस्टम है उसको आप ना छेड़ें, बहुत अच्छा मंडीकरण सिस्टम पंजाब का चलता है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर पिछले 70 सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने इसमें डायरेक्ट दखल अंदाजी नहीं की, तो कोविड-19 के दौर में सरकार का क्या मजबूरी बन गया था कि इस एक्ट को जल्दबाजी से ऑर्डिनेंस को लागू किया गया, राज्यसभा में इसको किस तरीके से पास किया गया और सरकार ना मैं ना मानू की बात पर अड़ गई सरकार। इसीलिए किसान आंदोलन लड़ रहा है, हमारे पीछे कोई ऐसी ताकत नहीं काम कर रही। पंजाब में निरोल हम सिर्फ किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन के मंच पर हम किसी भी ऐसी ताकत को बोलने की इजाजत नहीं देते, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बोलने की इजाजत नहीं देते। हमारा आंदोलन राजनीति से बिल्कुल अलग है। हमारी किसानों की ये मांग है कि हमारी जो किसानी से रिलेटेड मुश्किलें हैं उनको सरकार हल करें, हमारी बात सुनें, हमारा मैटर हल करें, हमारी समस्या को हल करें, इस एक्ट को रद्द करें। यदि इस एक्ट में कुछ बुरा नहीं, सरकार कह रही है इस एक्ट में कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन हम किसान कहते हैं इस एक्ट में कुछ भी भला नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन अगर क्या कानून वापस ले लें तो उससे किसानों का भला हो जाएगा? और ये भी एक तथ्य है कि जो आंदोलनरत है और आज देश जो पूरा भारत बंद हुआ वो आंशिक रहा और ज्यादा असर उसका सिर्फ और सिर्फ पंजाब में देखने को मिला। हम दिल्ली में बैठे हैं दीपक जी, पूर्ण बंद है। सरकार को हम निम्रता से बेनती करते हैं कि सच को समझें, सच से मूछ पाने से बात नहीं बनेगी, जो सच है उसको मानना पड़ेगा, सरकार को भी मानना पड़ेगा, किसान ऑर्गेनाइजेशन को भी मानना पड़ेगा, जो सच है उसको सच को मानकर इस समस्या का जल्दी से जल्दी हल करें ताकि किसान की मुश्किल भी दूर होए। हम आंदोलन को बंद करके घरों में तभी जाएंगे जब सरकार बात बनेगी कोई। ठीक है, नलिन कोहली जी प्रकाश जी कह रहे हैं कि यस और नो से किसान को आगे निकलना पड़ेगा, लेकिन सतनाम सिंह जी यस और नो पर ही रुके हुए हैं। ऐसे में समाधान कैसे निकलेगा, समाधान की उम्मीद कैसे दिखाई देगी, क्योंकि मामला भी वही है, ढाक के 3 पात, जहां खड़े थे पहले दिन आज वही खड़े हैं। पहली बात, प्रकाश जी
से उनकी आपके साथ चर्चा हुई थी और उन्होंने बड़े अच्छे रूप से बताया, वो खुद भी आंदोलनकारी रह चुके हैं तो उन्होंने बताया कि क्या क्या किस रूप से होता है। देखो जो हित में है, किसानों के हित में है, वही होगा। मोदी सरकार जो है प्रतिबद्ध है कि किसानों का हो, गरीब का हो, पिछड़े वर्गों का हो, मध्यम वर्ग का हो, सबके लिए अलग अलग काम किए जा रहे हैं ताकि देश आगे बढ़े, सबका भला। अब जब बातचीत हो रही है, आज शाम को भी एक दौर बातचीत रही है माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ, अमित शाह जी के यहाँ, तो ये चर्चाएं जो है अपने एक समय पर हम लोग मानते हैं कि जो भी दूरियां हैं सब दोनों पक्षों में वो दूरियां कम होंगी और बातचीत के माध्यम से कोई अच्छा हल निकलेगा जो सबके हित में ही होगा और सबके हित की बात जो है देश के हित की बात होगी। ठीक है अभय दुबे जी, आप भी राजनीतिक मलाई इस आंदोलन से खाना चाहते हैं, आपके कार्यकर्ता भी देश भर में जगह जगह बंद करा रहे थे। भाई आह्वान तो किसानों ने किया था, आपके कार्यकर्ताओं ने किसानों के तरफ से खड़े होकर बंद कराना क्यों सोचा? देखिए याद रखिए आप 2014 में जब मोदी सरकार भूमि के खिलाफ, भूमि के उचित मुआवजे कानून के खिलाफ एक के बाद एक तीन अध्यादेश लाई थी तो सारे मंत्री इसी प्रकार तर्क दे रहे थे और किसानों के साथ दृढ़ता से कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष खड़ा हुआ और मोदी सरकार को झुकने को बाध्य किया। अभी भी किसान संगठनों ने कहा था कि आप समर्थन व्यक्त कर सकते हैं, तभी सारे राजनीतिक दलों ने समर्थन व्यक्त किया। मैं प्रकाश जावड़ेकर जी को सुन रहा था जिन्होंने आपके डिबेट में, मैं अपेक्षा कर रहा था कि वो कम से कम सच्चाई रखेंगे, सत्यता से बात करेंगे। पहले तो मैं बधाई देता हूं, आपने बहुत ही, मैं पहला डिबेट शो सुन रहा हूं जिसपे मोदी सरकार से किसी ने इतने तीखे और जो किसान चाहता थे वो सवाल सारे पूछे। मैं प्रकाश जावड़ेकर जी को दो तीन उदाहरण सिर्फ छोटे छोटे देना चाहता हूं भाजपा को। उन्होंने कहा कि शरद पवार जी ने कानून आगे बढ़ाया और सारे राज्यों को कहा कि आप इसे लागू कीजिए। नहीं प्रकाश जावड़ेकर जी, वो एपीएमसी एक्ट का मॉडल एक्ट था 2003 जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार लाई थी, उसके बाद अटल जी की सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ने सारे राज्यों को कहा कि आप इन रिफॉर्म्स को लागू कीजिए क्योंकि रिफॉर्म्स से किसी को परहेज नहीं है। और वो जो कह रहे थे 6 प्रकार के रिफॉर्म्स थे जिनको कम से कम 20 से 25 राज्यों ने लागू किया। फिर मोदी सरकार को ऐसी क्या पड़ी थी कि वो रातों रात अध्यादेश लेकर आई और ये काले कानून थोप दिए, जबकि एग्रीकल्चर जैसे अभी सरदार जी हमारे कह रहे थे कि वो स्टेट सब्जेक्ट है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं आपने एमएसपी पर बड़ा प्रश्न किया, वो एमएसपी के प्रश्न को टाल गए क्या कहकर मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं एमएसपी 52 साल से चल रहा है और वो जारी रहेगा। मैं चुनौती देता हूं प्रकाश जावड़ेकर जी, इसको आप नियोजित रूप से खत्म कर रहे हैं कैसे? क्योंकि सरकार जो समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है वो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, 6 से 8% कुल उत्पाद का समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है क्योंकि कंटेंजेंसी के लिए खरीदना होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम अनाज की दुकानों पर अनाज बांटते हैं उसके लिए। बाकी सरकार अनाज नहीं खरीदती है, वो 94% अनाज बाजार के हवाले होता है। आपने कानून में संशोधन कर दिया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कि पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम के जब तक 100% और 50% कीमत नहीं बढ़ जाती तब तक सरकार इंटरवीन नहीं करेगी और असीमित मात्रा में पूंजीपतियों को संग्रहित करने की अनुमति दे दी। ये पूंजीपति क्या करते हैं दीपक जी, एक छोटा सा आखिरी उदाहरण देता हूं। ये जब बाजार में फसलें किसानों की आने वाली होती है तब उस संग्रहित अनाज को कुछ मात्रा में उतारते हैं और प्राइसेस क्रैश कर देते हैं। CACP जो लागत और मूल्य आयोग है मोदी सरकार का, उसने बहुत बड़ा आरोप मोदी सरकार पर खुद पर लगाया। उसने कहा मोदी सरकार दाल खरीदकर सस्ते दाम में बाजार में ऐसे समय उतार देती जब किसान की फसलें आने वाली होती और उनको दाम नहीं मिलते। प्रकाश जावड़ेकर जी ने एपीएमसी एक्ट के केरला का उदाहरण दिया मगर बिहार में 2006 से एपीएमसी एक्ट को एबॉलिश कर दिया। नाबार्ड की 2015-16 की मोदी सरकार की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान में सबसे बदतर हालात किसानों की बिहार में है। बिहार में 9600 मंडियां थी, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स थे सरकारी खरीद के 15-16 में। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, रोक नहीं रहा हूं, मैं आपको अभय जी रोक नहीं रहा हूं, लेकिन आप भी न्याय नहीं कर रहे हैं, आप भी न्याय नहीं कर रहे हैं, आप न्याय नहीं कर रहे हैं। ये भी एक फैक्ट है कि यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम जो अनाज बचा हुआ है गोडाउन के अंदर पड़ा हुआ है जो सड़ जाता है उसको गरीब जनता को नहीं बांट सकते।
क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपकी खुद सरकार ने कहा था ना, आपकी सरकार ने ही पीडीएस को खत्म करके फूड कूपन्स की बात कही थी, ये भी एक सत्य है, तो इसको भी एक्सेप्ट करिए। इसी रिफॉर्म को आप खुद लेकर आने वाले थे, लेकिन बीजेपी सरकार लेकर आई है, तो आप दाएं बाएं से उसमें मीनमेक निकाल रहे हैं। इसी पर मैं करवीर सिंह जी के पास जाऊंगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि नहीं है। अपराजिता सारंगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे साथ। दीपक जी, मैं एक आखिरी आखिरी आप अपने 10 सेकंड सिर्फ मुझे दीजिएगा। देखिए, हम ये जो बार बार कपिल सिब्बल जी का भी बताया जा रहा है पार्लियामेंट का, वो यही था कि हम एफडीआई लाना चाहते थे, क्योंकि जो पेरिशेबल आइटम है वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, उनमें हम चाहते थे कि कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाए और गोडाउन को डेवलप करना चाहते थे, जिसको एनडीए के पक्ष ने विरोध किया। एक कानून का उदाहरण दे दे मोदी सरकार, जिसमें यूपीए की सरकार ने स्टेक होल्डर और प्रतिपक्ष को विश्वास में लेकर कानून नहीं बनाया। अगर 2004 में शरद पवार जी ने यह कहा तो हमने कानून नहीं बनाया। कानून के बनने की बातचीत भी आपके टाइम शुरू हुई थी ना, ये एक फैक्ट नहीं है क्या? अभय दुबे जी, अब रुक जाइए, आपने 10 की जगह 40 सेकंड ले लिए, मैंने आपको टोका नहीं। हरवीर सिंह जी, एक गाना है सलमान खान का, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है, ये करे तो ठीक लेकिन दूसरा करे तो गड़बड़। क्या ये बात अभय दुबे जी पर लागू नहीं होती? क्या शब्दशः यही चीजें यूपीए की सरकार नहीं करना चाहती थी? आप सबसे बड़ा एक्सपर्ट है, मुझे बताइए। देखिए दीपक जी, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और सुधार होना चाहिए, और एग्रीकल्चर को लेकर के जो सुधारों की प्रक्रिया है या उसके ऊपर जो बातचीत है वो पिछले 20-25 साल से चल रही है, अलग अलग मसलों को लेकर के। वो कभी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसमें तमाम सारे सुधार किए गए, बहुत सारे उत्पादों को उसके बाहर निकाला गया, फिर इसको काफ़ी लिबरल किया गया, उस केंद्र ने कानून में बदलाव किया था जब एनडीए की गवर्नमेंट थी वाजपेयी जी की, फिर जब दाम इतने बढ़ गए फिर ये कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर उसमें बदलाव कर दिया। इसी तरीके से जो एपीएमसी का जो एक्ट की बात है, एक मॉडल एक्ट को लेकर के लगातार चर्चा रही है, और ये जो पहला 2003 वाला एक्ट था उसके बाद फिर से एक मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट आया, जिसमें कहा गया कि इसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि मंडियां भी एक तरीके से परफेक्ट नहीं है। मैं इसमें कोई सपोर्ट नहीं करता कि मंडी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यह है कि हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, और ये जो बाज़ार का मॉडल है कि आप मंडी के पैरेलल बिना टैक्सेशन के दूसरा मॉडल खड़ा कर देंगे, ये मंडियों के लिए घातक है। ये उस तरीके का सुधार नहीं है जिसकी इस वक्त देश को ज़रूरत है। तो ये तो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया है। सो अब कांग्रेस ने FDI इन रिटेल जब लाने की बात की थी, बात सही है कि उस वक्त ये था कि जो पेरिशेबल कॉमोडिटीज़ हैं, जो फल सब्जियां हैं, उनको APMC एक्ट के बाहर कर दिया जाए, जिससे कि इसमें प्राइवेट ट्रेड फ्लोरिश हो और वो तेज़ी से आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उसमें हो। जो कोल्ड चेन हमारी है उसमें 100% FDI ऑलरेडी अलाउ है, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं उस तरीके से उसमें आ रहा है। तो एक एक करके ये मसले इस तरीके से हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, पंजाब ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब अमरिंदर सिंह जी की पिछली सरकार थी तब भी एक उन्होंने उस तरीके से व्यवस्था की थी, और तमाम सारी हमारी कंपनियां थी, वो टाटा रैलीस थी, वो आपका ये एयरटेल वालों की एक कंपनी थी और ITC थी, ये लोग गए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। हरियाणा ने भी अपने यहाँ एक कानून लेकर के आए थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, बट उसमें इशू क्या था कि इनमें कोई लीगल बैकिंग नहीं थी किसी भी कानून में, तो वो नाकाम हुए। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये एक मान लीजिए कि हमारे देश में ये कानून आ भी गया है, लेकिन मेरा मानना है कि ये कोई इतना कोई सक्सेस होने वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, जितना फ्रेगमेंटेशन है, जितनी छोटी जोत है किसानों की। लेकिन हाँ, इस कानून में कई खामियाँ ज़रूर है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इसमें है वो बहुत ही हल्का है, और उसमें क्या किया दोनों कानूनों में उसको इन्होंने, हमारे जो कृषि मंत्रालय के अधिकारी हैं उन्होंने इतना आलस्य बरता कि कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो आप जो है मंडी वाला जो परचेज वाला कानून है उसमें जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वो भी उसमें है, और ब्यूरोक्रेट्स को आपने बचा लिया कि ब्यूरोक्रेट जो उसमें मेन आदमी रहेगा फैसला करने वाला उसके खिलाफ आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। पहले तो वैसे भी कोर्ट में नहीं जा सकते, ब्यूरोक्रेट के अगेंस्ट भी कोई केस नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से, अब मुझे नहीं लगता जहाँ तक सरकार के अंदर भी लोग हैं, मेरी जो बातचीत होती है उसमें यह है कि कुछ अफसरों ने ठीक है कुछ जरूरत, लेकिन आप मेरे सवाल को गोल कर गए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या यही सब कांग्रेस नहीं करना चाहती थी? क्या ये फैक्ट नहीं है?
दीपक जी एग्जैक्टली ये तो नहीं करना चाहती, लेकिन ये है कि मार्केट सुधार के बारे में कांग्रेस में भी काफ़ी बातचीत थी और काफ़ी सारा उनका प्रयास था, ये मैं कहूँगा। ठीक है अभय जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैंने आपको बहुत वक्त दिया है, आगे भी वक्त होगा हमारे पास बहस का, बहुत वक्त बताए, लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि किसान नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो ICAR है, पूसा इंस्टीट्यूट जो किसानों के लिए सबसे बड़ा रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, वहां के गेस्ट हाउस में बैठक कर रहे हैं। सीधे चलता हूँ मधुरेंद्र के पास, हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, मैं जानना चाहूंगा क्या महत्व है अमित शाह की इस बैठक का, और कल जब शेड्यूल्ड बातचीत नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री से होने वाली है, उससे पहले अमित शाह, माफ कीजिएगा मधुरेंद्र से मेरा संपर्क कट गया है, टेलीफोन कट गया, लेकिन बहस को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सीधे चलता हूँ हिमांशु गंगवार के पास लखनऊ में। हिमांशु, आपको क्या लगता है, राजनीति हो रही है, भ्रम है, या किसानों की मांग जायज है, क्या कृषि कानून वापस लेने से किसानों का भला हो जाएगा? मैं शुद्ध किसान हूँ, राजनीति नहीं जानता हूँ, मैं गौ आधारित प्राकृतिक कृषि करता हूँ। पद्मश्री सुभाष पालेकर जी के शिष्यता में इसको काम शुरू किया था 2010 से। हम खेती कर रहे हैं इसमें ना यूरिया की जरूरत है, ना DAP की जरूरत है, ना किसी कीटनाशक की जरूरत है, ना किसी फंगीसाइड की। उत्पादन लगभग रासायनिक खेती के बराबर आ रहा है। तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि APMC मंडी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है। हमें तो जरूरत है एक शुद्ध भोजन की, एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें कि किसान की लागत कम हो। अभी हम लगातार पिछले 1980 से अपने किसानों की लागत मूल्य लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर हमने इसको कम कर दिया तो हमारी किसानों की आमदनी दोगुनी हो ही जाएगी। बाकी शुद्ध भोजन शहर वालों को मिलेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। तो आप अच्छी बात है हिमांशु जी, आप होपफुल हैं और एक बहुत ही वैल्यूबल सजेशन दे रहे हैं कि कैसे किसानों की लागत को कम किया जाए। लेकिन मैं कंवल चौहान जी के पास चलता हूं, वो भी एक किसान है, उसके बाद अपराजिता जी के पास जाऊंगा। कंवल चौहान जी, आप भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जितने भी नए एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करते हैं, आपका अनुभव क्या है, और क्या आपको लगता है ये किसान कानून वाकई किसानों के खिलाफ है, और अगर खिलाफ है तो आप जैसे लोग क्या सोचते हैं? जो नए किसान कानून बने हैं ये किसानों के खिलाफ नहीं है, और APMC एक्ट में सुधार की मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, और इसमें सुधार के लिए हर मीटिंग में सारे किसान संगठन इसी मांग कर रहे थे। कांग्रेस में ने भी अपने मैनिफेस्टो में इसको रखा कि APMC एक्ट में सुधार हो। और मैं एक आपको उदाहरण बताना चाहता हूं कि 2006-07 में हमने बासमती धान बोया, सनस्टार्स जो चावल मिल है उसने हमें मार से बुआया, तो जब हम उसको बेचने की बारी आई तो उन्होंने कहा इसको मंडी ले जाओ, और मंडी में आड़ती के द्वारा ही हम इसको खरीदेंगे, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है कि डायरेक्ट हम किसान से चावल खरीद सके। तो हमारी समझ में भी आया कि हम यदि अच्छा उत्पादन करते हैं, जहर मुक्त उत्पादन करते हैं या अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करते हैं तो उसको मंडी हमें ले जाना पड़ेगा, और मंडी में ग्राहक इस किस्म के होते नहीं है। तो हमारी समझ में आया कि इसमें एक्ट में सुधार होना चाहिए, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश की सरकार ने इस कानून में बदलाव किया है, तो एक अच्छा बदलाव है, ये जरूरी है। हम इसको रद्द करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। दूसरा, इसमें सुधार की बात करते हैं, मान लिया जैसे हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी बहुत कुछ सच्चाई ये हो सकती है कि वे भयभीत है कि कहीं MSP बंद ना हो जाए, मिनिमम जो स्पोर्ट्स प्राइस है वो बंद ना हो जाए या मंडी बंद ना हो जाए, क्योंकि मंडी का स्थिर रहना, यथावत रहना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि ये कंपनी आई, 2-3 साल तक अच्छा भाव दिया, बाद में भाव नहीं दिया तो हमारा भाव कहां से तय होगा, इसलिए मंडी भी समांतर रूप में बनी रहे, ये मेरा विचार है। इसके लिए मैंने जो कल मैं कृषि मंत्री जी से मिला था और हमने ये मांग की थी कि यदि बाहर टैक्स नहीं है तो मंडी में भी टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि बाहर टैक्स नहीं होगा तो सारे व्यापारी बाहर खरीदने चले जाएंगे और मंडी बंद हो जाएगी। तो हमने मांग करते हैं कि मंडी में भी टैक्स, जो बाहर टैक्स है जितना उतना ही मंडी में टैक्स हो, और मंडी यथावत बनी रहे और MSP भी जारी रहे। ठीक है। आप बेनिफिशियरी हैं, आपको लगता है कि कानून वाकई किसानों के हित में है। बिजॉन मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक कंज्यूमर को क्या फायदा होगा अगर ये कृषि कानून आते हैं, और क्या आपके हिसाब से इन कृषि कानून को वापस लिया जाना चाहिए जैसे फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं पंजाब और कुछ इलाकों के?
दीपक भाई, 40 साल से हम लोग उपभोक्ताओं का रक्षा के लिए बात करते हैं और हम लोग सरकार से ये मांग बराबर रखे हैं कि कृषि को, कृषि लोगों को सही कीमत मिले और हम लोग ग्राहक के नाते उनको सही कीमत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीच के जितने बिचौली लोग हैं, जो लोग जमाखोरी करते हैं, जो लोग प्रॉफिटेरिंग करते हैं, जो लोग गलत ढंग से ट्रेडिंग करते हैं, उसको कम किया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। और ये कानून 40 साल से हम लोग चाह रहे थे कि सुधार हो, कृषि के पक्ष में हो, एग्रीकल्चर फार्मर्स के पक्ष में हो। हम लोग ग्राहक चाहते हैं कि कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा सामान मिले और कृषि के लोगों को मैक्सिमम फायदा हो। और ये मोदी सरकार ने अपनी हिम्मत से इसको लाया, कोई भी सरकार नहीं ला रहे थे, क्योंकि पॉलिटिकल था ये बात, हर व्यक्ति को मालूम है कि ये एक पॉलिटिकल रूप ले लेगा। लेकिन आज का सरकार, हम लोग पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर जनता के सेवा के लिए, कृषि के सेवा के लिए इस कानून को ले आया है। हर कानून में कोई ना कोई थोड़ा बहुत कम बेसी होता ही है, उसको हम लोगों को बहस करके, चर्चा करके, आपस में बैठकर समझौता करके कानून को आप बराबर पार्लियामेंट में बदलाव ला सकते हैं, अमेंडमेंट ला सकते हैं। लेकिन जब इस पे बहस हो रहा था पार्लियामेंट में, तब ऑपोजिशन क्या कर रहे थे? तभी वो सो रहे थे क्या? वो पार्लियामेंट के बाहर में थे। वो लोग क्या पार्लियामेंट चाहते हैं कि रास्ते में पार्लियामेंट हो? आप घेराव करके पार्लियामेंट चलाएंगे? आपको तो पार्लियामेंट में बहस करना चाहिए था। उस समय क्यों नहीं किए? उस समय क्यों वो बिल को पास करने दिए? क्यों नहीं आप हर बिल को, हर कानून को जब हम लोग लाते हैं, उसमें सबसे राय लिया जाता है, सबका राय लिया जाता है, सबका राय लेने के बाद फिर कानून बनता है। और कानून क्यों बनाया गया है? क्योंकि कानून का जरूरत था, हमारे देश में कानून का सख्त जरूरत था, क्योंकि बहुत शोषण हो रहा था किसानों का। हमारे देश में किसानों का इतना शोषण हो रहा था कि उसका कोई कमी नहीं है। आपको मालूम है कि यह 2 रुपया में यदि हम किसान को आलू के भाव देते हैं, हमारे तक पहुंचते पहुंचते 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया हो जाता था। तो हम लोग ग्राहक के नाते ऑलवेज चाहते थे कि किसान को सबसे ज्यादा फायदा हो, लेकिन हमारे देश में नहीं हो रहा था। ठीक है मिश्रा जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। आपको, आपने बड़े अच्छे से बातों को कही अभय जी को, ये आवाज भी सुनना चाहिए। लेकिन अभय जी, पराजिता जी मेरे साथ है। अभय जी ने कई आरोप लगाए, वो बोल रहे थे हम ऐसा कानून नहीं चाहते थे, हम लिबरलाइजेशन तो चाहते थे, ओपनिंग अप तो चाहते थे, क्योंकि हमको ये करना है अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के तहत। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये कानून तो जो है ये बिल्कुल पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है, और आज उन्होंने भारत बंद का समर्थन भी किया है। अपराजिता जी क्या कहेंगे अभय दुबे जी की बात पर? के साथ रहेगी। हम चाहते हैं कि हमारे किसान स्वतंत्र हो और सशक्त हो, और इसलिए जो 50-60 साल में नहीं हुआ, जो नीति लाना चाहते थे, जो संस्कार कांग्रेस लाना चाहती थी और ला नहीं पाई, उसे मोदी सरकार ने करके दिखा दिया और सबका समर्थन मिला। मैं लोकसभा की सदस्य हूं और मैं जब भी चर्चा हुई है मैं उसके साथ बैठी थी, चर्चाओं में मैं शामिल हुई हूं। 3 दिन चर्चाएं चली और जितने भी विपक्ष में नेतागण हैं सबकी बात सुनी गई, और ये कह देना कि किसी को नहीं सुना गया ये बिल्कुल निर्मूल है। और मैं ये कह दूं कि अभी जो माहौल बनाया जा रहा है, ये जो बिचौलिए हैं, इन्होंने बहुत सारे राजनीतिक दलों का सहारा लिया है, बिचौलियों का अंत होने जा रहा है, और वे राजनीतिक दल जिनका वजूद खतरे में है, जिनकी राजनीतिक जमीन चली गई है, इसे एक राजनीतिक रंग दे रहे हैं और किसानों के कंधों पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये राजनीतिक दल विपक्ष में जो लोग हैं ये लोग न रहे, तो देखिए हमारा किसानों पर पूरा विश्वास है, वार्ता जारी है, और मुझे लगता है कि मोदी सरकार का पूरा विश्वास है कि कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसे वार्ता से या संवाद से सुलझाया नहीं जा सकता है। और दीपक जी मैं कह दूं, मुझे तो आज लग रहा था कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता होंगे वे मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते धन्यवाद देंगे, उनका काम हमने कर दिया, उनके सपने को हमने साकार किया। 2019 के मैनिफेस्टो का पेज नंबर 17 का पॉइंट नंबर 11 पढ़िए,
मैं पढ़ के सुना देती हूँ, मुझे 30 सेकंड दीजिए। अपराजिता जी, ये लाइन सूट नहीं कर रही है। आप तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, लेकिन अब आप कांग्रेस के सपनों को साकार कर रही है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? कल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट को निरस्त कर देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसमें निर्यात और अंतरराज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। यह कांग्रेस की भाषा है, उनके मैनिफेस्टो से मैंने पढ़ा। तो जब यह स्थिति है, और हम सब जानते हैं, इस पर बातचीत भी हुई, कि शरद पवार जी जो उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री थे, उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को भी इस दिशा में लिखा था, तो हमने तो उनके सपनों को साकार किया और अभी इस रण क्षेत्र में कूद पड़े। क्या जरूरत थी कांग्रेस को कूदने की? और बाकी जितने लोग हैं, आप आम आदमी पार्टी की भी बात करें, 23 नवंबर को ठीक है अधिसूचना जारी की गई, उन्होंने स्वीकृति दी, दिल्ली सरकार ने स्वीकृति दी, और आज देखिए आज किस तरह का तांडव नृत्य कर रहे हैं हमारे वहां के मुख्यमंत्री जी। तो मुझे लगता है कि रंग न बदले, और ये एक अच्छा काम हो रहा है, ये क्रांतिकारी कानून है, तीनों लॉज क्रांतिकारी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे वातावरण की सृष्टि करना चाहती है जिसमें रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, अबे जी मैं 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। देखिए, आपके सपनों को साकार कर दिया मोदी सरकार ने, आपके सपनों को साकार कर रही है मोदी सरकार, इसमें भी आपको आपत्ति हो रही है? देखिए, हमारा नाम लेते हैं मगर पूंजीपतियों के स्वप्न को साकार कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि साहब, एपीएमसी एक्ट स्टेट का जुरिडिक्शन है, केंद्र सरकार कोई कानून नहीं बना सकती, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कह सकती कि कानून बनाएंगे। और ये जो बेजान जी कह रहे थे, मैं नहीं जानता कौन सी स्टेट से आते हैं, अगर उत्तर प्रदेश से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, वहां पर ऑलरेडी है साहब कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर डायरेक्ट सेल, जो एपीएमसी एक्ट का मॉडल एक 2003 है, उसमें 25 स्टेट्स ने इनको एडॉप्ट किया है, जो 6 बिंदु हैं उनको एडॉप्ट किया है ऑलरेडी स्टेट ने। मोदी सरकार ने इंक्रोच किया राज्यों के अधिकार को, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में था, तो इन्होंने एंट्री 33 का उपयोग करते हुए जो ट्रेड है उसके आधार पर ये कानून थोप दिए, और राज्यसभा में माइक तक बंद कर दिए साहब, माइक तक बंद कर दिए, थोपा नहीं जा सकता। आरोप लगा रहा हूं, मुझे सुनिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को क्यों अमेंड किया, असीमित मात्रा में क्यों संग्रहित नहीं, 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 नहीं। बिहार में 9000 सेंटर थे प्रिक्योरमेंट, 1600 सेंटर रह गए हैं। अबे जी रुक जाइए, विवेक जी आपको जवाब देना चाहते हैं, सम्मान करिए, वो देश के जाने माने कंज्यूमर एक्सपर्ट है। अबे जी, मैं एक मिनट के लिए आपको और विवेक जी को आमने सामने करूंगा, लेकिन सतीश बंसल मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं और उनकी बात सुनने के बाद ब्रेक लूंगा। क्या कानून वापस लिए जाने चाहिए सतीश बंसल जी? देखिए दीपक जी, व्यापारी लॉकडाउन के दौरान इतना ज्यादा बहुत पहले ही नुकसान में है, और ऊपर से जिस तरीके से चारों तरफ से बॉर्डर सील है, व्यापारियों का व्यापार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसकी भरपाई कैसे होगी? सभी फैक्ट्रियों में फिनिश गुड्स माल तैयार है और रॉ मटेरियल आ नहीं रहा, तो अर्थव्यवस्था का क्या हाल है पूरे देश को मालूम है। हमारी मांग है केंद्र की सरकार से कि जल्दी से जल्दी किसानों से बात करके इस आंदोलन को खत्म किया जाए, नहीं तो व्यापारी को व्यापार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात की सतीश बंसल। दिल्ली ने बड़े डिस्ट्रप्शन देखे हैं, और मैंने लिखा था अपने ट्विटर पर कि एनसीआर का यह दुर्भाग्य हो गया है कि वो देश की राजधानी है, आए दिन आंदोलन और सड़क जाम, और लोगों को लगता है कि सड़क जाम करना उनका मौलिक अधिकार है, जो बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। फिलहाल ब्रेक के लिए रुकता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। अपराजिता जी भी हैं, अभय जी भी हैं, और साथ में विवेक जी भी हैं, बिजॉन जी भी हैं। बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या किसान कानून वापस लेने से किसानों का भला हो जाएगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी के भुवनेश्वर से सांसद पूर्व आईएएस अधिकारी अपराजिता सारंगी जी हैं, मेरे साथ साधना भारती जुड़ी है जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, मेरे साथ प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा हैं जो कि जाने माने कंज्यूमर एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ कंवल सिंह चौहान साहब हैं जो कि किसान हैं और लाभ ले चुके हैं नए किसान कानूनों का। अभय
अभय दुबे जी अब नहीं है, हरवीर सिंह जी हिंद किसान से मेरे साथ हैं, सतनाम सिंह साहनी जी आंदोलनकारी किसान मेरे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर बिजौन, मैं प्रोफेसर बिजौन, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपसे समझना चाहता हूँ कि ये विवाद आपके हिसाब से क्यों हुआ और क्यों इतना तगड़ा विरोध हो रहा है एक सेक्शन की तरफ से। देखिए दीपक भाई, ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। ऑपोजिशन ऑलवेज ऑपोजिशन के तहत ऑपोजिशन करना चाहते हैं, वो सही ढंग से कोई भी बातों को, कोई भी नीतियों को सही ढंग से देखना नहीं चाहते हैं। इसी हमारे देश में ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसी अभी भ्रामक रूप से कोई चैनल मेंबर, हमारे पैनल मेंबर्स बोल रहे थे कि कोई भी कानून हमारे देश में बन नहीं सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसी के तहत हमारा कानून बनता है। तो कोई भी केंद्रीय सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे बाहर में है। और यदि कोई भी कहते हैं कि कानून पार्लियामेंट ने बना दिया जो बाहर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो गैर कानूनी है, वो बिल्कुल भ्रामक रूप से हमारे देश के नागरिकों को भ्रामक रूप से बात कह रहे हैं। वो सही बात नहीं कह रहे हैं। सही बात ये है कि कानून तब बनता है जब सारे पॉलिटिकल पार्टीज एकत्रित होकर एक साथ एक कानून का पालित करते हैं, और जब पालित करते हैं तो सारे प्रोविजंस को, सारे कानूनी रूप को कॉन्स्टिट्यूशन के रूप से देखकर फिर वो कानून पास होता है। तो कोई नहीं बोल सकता है कि केंद्रीय सरकार स्टेट गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कर रहे हैं, गैर कानूनी कानून निकाल रहे हैं। ये सब भ्रामक है, ये सारे लोगों को भ्रामक कर रूप से मिसगाइड कर रहे हैं। हमको कहना है कि आप एजिटेशन करना चाहते हो, आप पीसफुल एजिटेशन करो और सही तथ्य में बात करो, तथ्य में वर्ड बाय वर्ड, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ कानून को देखो, और जहां पर आप चाहते हो कि कोई संशोधन का गुंजाइश है उस संशोधन को लाओ, उस संशोधन को फिर ला सकते हो। हम 40 साल से जो उपभोक्ताओं कानून को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं सरकार के साथ, तो हम लोग हर समय अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, हर 2-3 साल में अमेंडमेंट ला रहे हैं। अभी मोदी सरकार ने नया कानून ले आया उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम के तहत 2019 का, तो हर समय हम लोग नया कानून लाते हैं। क्यों? क्योंकि बदल रहा है देश, बदल रहा है दुनिया, बदल रहे हैं। हर समय हमको कानून को एक डायनेमिक रूप से देखना होगा, एक बराबर बदलाव लाना होगा। आप क्या हर समय आप आंदोलन करके बदलाव लाएंगे? इसी सवाल का जवाब डॉक्टर साहब, डॉक्टर बिजौन मिश्रा, मैं सतनाम सिंह जी से लेता हूं। सतनाम सिंह जी, अगर कानून में कोई खामी है तो आने वाले समय में इसको बदला जा सकता है। और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं शाहीन बाग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसका भी, जिसने कहा था कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों को ब्लॉक नहीं कर सकता, पब्लिक प्लेस पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा गलत है, 100 दिन से। और यहाँ पर भी रोड को जाम किया गया था। आपको नहीं लगता कि दिल्ली को बंधक बना लेने से किसानों का भी कोई बहुत ज़्यादा भला नहीं होगा? एक वर्ग ऐसा भी है बहुत बड़ा NCR का जो आप लोगों से बहुत परेशान चल रहा है। सतनाम सिंह जी, क्या आपने कभी इसके बारे में विचार किया? पर हम किसी को परेशान के लिए करने के लिए आंदोलन नहीं लड़ रहे। 25 अगस्त के बाद सरकार ने हमारे साथ बात करना भी जरूरी नहीं समझा कि हम किसान आंदोलन कर रहा है। हमने कभी एक दिन कभी किसी को परेशान करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। हम देश के नागरिक हैं, जिम्मेवार शहरी हैं। किसान देश का बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट पर्सन है। किसानों को देश का ज्यादा चिंता है। हम किसी को परेशान करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। यदि हमारा आंदोलन गलत है तो दिल्ली बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट का बार काउंसिल, दिल्ली हाई कोर्ट का बार काउंसिल हमारी हिमायत के लिए आंदोलन में क्यों कूद, हमारी हिमायत करने के लिए क्यों मता पास करता है, रेजुलेशन पास करता है, हमारे मंच पे आता है। देश के सभी हिस्सों में किसान आंदोलन कर रहा है। सरकार को ये बात माननी चाहिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देश के सभी राज्यों से किसान हमारे पास आते हैं इस कानून के खिलाफ। आप ये ना कि ये सिर्फ पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा है, हरियाणा का किसान, सारे देश का किसान आंदोलन कर रहा है, हमारे समर्थन में आ रहा है। सरकार को ये बात छुपाने की कोशिश मत करनी चाहिए, लेकिन किसानों की बात यदि नहीं मानेगी सरकार तो दसिए बताइए हमारे पास और क्या रास्ता रह जाता है। हमने जुलाई के बाद माननीय राज्यपाल गवर्नर साहब पंजाब से मिलने का बात किया। हमको कोई मिलने से किसी ने समय निकालना भी ठीक नहीं समझा।
जब पांच महीना किसानों की बात नहीं मानी गई, तभी किसानों ने आंदोलन शुरू किया है। सरकार की पहली ड्यूटी है अपने लोगों की बात सुने, किसानों की बात सुने। यदि सरकार बात नहीं सुनेगी बताइए तो किसान क्या करेगा। ठीक है, मैं अपराजिता जी से इसी सवाल का जवाब लेता हूं। अपराजिता जी, जावड़ेकर जी ने साफ कहा यस और नो नहीं चलेगा, ऐसे में तो बात के सुलझने के विकल्प बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत ही खत्म हो जाते हैं। देखिए, मैं कहना चाहती हूं कि ये जो तीन फार्म बिल्स लाए गए पार्लियामेंट में, ऑर्डिनेंसेस हुए, उसके बाद इसे एक्ट में कन्वर्ट किया गया, ये बहुत विचार विमर्श के बाद ऐसी परिस्थिति हुई है। दोनों सदनों में इस पर विचार विमर्श हुए, मैं मौजूद थी। तीन दिन देर रात तक हम लोगों ने इस पर बातचीत की, सारे विपक्ष के नेताओं का मत लिया गया और सारे मतों पर जितने भी उनके प्रश्न थे उसका उत्तर आदरणीय तोमर जी ने दिया था। और जब जो संविधान कहता है, जब एक एक्ट बन गया, पारित हो गया सदन में, पार्लियामेंट में पारित हो गया, तो साधना में आ रहा हूं आपके पास, तो मुझे लगता है उसके बाद बहस करने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात मैं कह दूं कि मोदी सरकार का पूरा विश्वास संवाद, वार्ता और बातचीत पर है। हम सब बातचीत कर रहे हैं और आप देखिए सरकार कितनी संवेदनशील है। आजादी से लेकर अब तक किस सरकार ने इस तरह संवाद करते वक्त इतने सम्मानजनक तरीके से संवाद किया, मैं ऐसे कहूं, इतने सम्मानजनक तरीके से संवाद किया। 13 दिन हो गए। दुख की बात है कि हमारे अन्नदाता सरहद पर हैं और इस सर्दी में इस तरह से जी रहे हैं, हमें बड़ा दुख होता है। लेकिन शर्म की बात है कि ये जो बिचौलिए हैं, इन्होंने राजनीतिक दलों को पकड़ा है, विपक्ष कूद पड़ी है, क्योंकि किसान तो एक बहाना है, वोट ही निशाना है। आप ही के स्क्रीन पर यह लिखा हुआ है, आप ही ने यह लिखा है अपने चैनल पर। तो मुझे लगता है कि ये अभी विपक्ष के जो नेतागण हैं, ये लोग दूर रहे, बातचीत चल रही है और हमें पूरा विश्वास है कि सकारात्मक वातावरण में बातचीत चल रही है और समाधान जरूर निकलेगा। ठीक है, 13 दिन से बातचीत चल रही है, राउंड हो गए और अभी भी साधना जी आप पर चल रही आप जी आप पर आरोप है जी कि सिर्फ वोटों की खेती करने के लिए आपने किसानों को भड़काया है, ये साफ साफ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। और मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, आज सभी नेता बाहर निकले, इनफैक्ट अखिलेश यादव निकल गए, राहुल गांधी जी कहाँ हैं आज, वो किसानों के समर्थन में क्यों नहीं खड़े हुए? देखिए बड़ी अजीब बात है, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ, क्योंकि आप तो जानते ही हैं दीपक जी, मैं खुद एक किसान परिवार की बेटी हूं। मैंने 5 साल की उम्र में, आपको ध्यान भी होगा, 13 अगस्त 1999 को किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए संसद भवन पर गिरफ्तारी भी दी थी। तब भी ये सरकार किसानों पर कह ढा रही थी भाजपा की, आज भी ये किसानों पर कह ढा रही है। अभी मैं आपके चैनल पर बहुत देर से डिबेट को देख रही हूँ, मैं खुद आई हूँ तब से डिबेट नहीं देख रही, आपका चैनल लगभग पिछले 1.5 घंटे से मैं देख रही हूँ, और आपके चैनल पर इतनी सार्थक और सकारात्मक डिबेट मुझे देखने को मिली। आपने बहुत सटीक प्रश्न किए, मैं भी एक प्रश्न करना चाहती हूं। आपके चैनल पर अभी कुछ देर पहले कह रही थी अपराजिता जी कि हमें धन्यवाद करना चाहिए था कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, तो ये बता दें कि आपको किस लिए धन्यवाद किया जाए? इसीलिए धन्यवाद करें कि आपने देश की 25 लाख करोड़ की खेती का उपज कारोबार चंद उद्योगपतियों के हाथों में देने के लिए धन्ना सेठों के लिए कानून बना दिया, या इसीलिए आपको धन्यवाद किया जाए कि एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और हमारे देश के आपकी पार्टी के आदरणीय मोदी जी ने एक देश के जवान को देश के किसानों के विरुद्ध दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा कर दिया? मतलब अगर आदिवासी आंदोलन करे आपकी जन विरोधी नीतियों का तो आप उसे नक्सलवादी कहेंगे, कोई अल्पसंख्यक कहे तो पाकिस्तानी कहेंगे, अगर कोई छात्र कहे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहेंगे, तो केवल मोदी मोदी कहलाने वाले देशभक्त कहलाते हैं क्या? ये भी बता दीजिए जरा आप। और अवार्ड वापसी गैंग की भी बात करते थे आप, तो प्रकाश सिंह बादल जी ने इसी बात पे पद्म विभूषण वापस कर दिया है, कहेंगे उन्हें अवार्ड वापसी गैंग का सदस्य? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा कानून, आप लोकसभा की सदस्य है, मैं बड़े सम्मान करती हूं आपका, लेकिन राज्यसभा में आप क्यों? मुझे लगता था बस मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री मां झूठे हैं, लेकिन भाजपा के सारे प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, आज आपने साबित कर दिया। राज्यसभा में आपने वॉइस वोटिंग कराई, लगातार सांसद विरोध करते रहे, आपने निलंबित करा दिया, चोर दरवाजे से अध्यादेश लाए, कौन से किसानों से आपने पूछने का काम किया? और आप बता दीजिए भंडारण के लिए आप कानून लाए हैं, 1944 के अंदर जब बंगाल में सूखा पड़ा तब
तभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिक भंडारण के कारण 40 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए थे। आपने फिर उस कानून को लाने का काम किया है। आप देश के उद्योगपतियों को बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, हमने सुना था मोदी जी ने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढिए। लगता है इस आपदा की आड़ में मोदी जी ने उद्योगपतियों के लिए अवसर ढूंढ लिया है और 3 काले कानून ला दिए हैं। आप एपीएमसी एक्ट की बात कर रही हैं, अभी आप कह रही 3 मैनिफेस्टो का पढ़ के बता रही हैं। मुझे बता दीजिए आप कि वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जब अध्यक्ष मोदी जी, उन्होंने खुद कहा था। अब मैं दीपक जी अपनी बात जस्ट पूरी कर लूं। जब वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे मोदी जी, तब मार्च 2011 में उन्होंने ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को रिपोर्ट सौंपी थी। और अब आप पेज नंबर 19 पढ़ लीजिएगा मैडम, उसमें लिखा हुआ है साहब कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए, और भी लिखा हुआ है इसी के खिलाफ में। और आपको धन्यवाद इसलिए कर दें क्या कि आप ही के अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी जिस बात की खिलाफत करते थे, आपने उसी को कानून बना दिया। और आप लोकसभा की सदस्य हैं तो जरा लोकसभा का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा, मिल जाएगा जेटली जी का भाषण भी आपको। तो आज आप समझा दीजिए कि आप एक तरफ कहते हैं खुला बाजार और दूसरी तरफ मनोहर खट्टर जी और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि दूसरे प्रदेशों की फसल बिकने नहीं देंगे, जेल पहुंचा देंगे। तो पहले अपने मुख्यमंत्रियों को समझा लीजिए। आप देश के अन्नदाता को नासमझ और बेवकूफ बता रहे हैं क्या? आज देश का जनमानस और भाजपा के घटक दल भी आज आपकी खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज आपको झुकना चाहिए और अन्नदाता का सम्मान करते हुए इन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। अपराजिता जी, लेंगे काले कानून वापस आप? किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है, बड़े शांत मन से बात को समझना पड़ता है। 3 फार्म बिल लाए गए, विचार विमर्श करके सरकारों से, राज्य सरकारों से विमर्श करके ये फार्म बिल लाए गए। नहीं तो कहां विचार विमर्श किया गया? झूठ मत बोलिए, आप फिर से झूठ बोल रही हैं। आप मेरी बात सुने बहन, बहन बहन आप मेरी बात सुने। आपकी बात बड़ी उत्तेजना के साथ सब लोग सुन रहे हैं। अरे दीदी आप गलत मत बोलिए ना, अरे आप मैडम गलत मत बोलो ना, आप सही बोलिए, आप तथ्यों पर बात कीजिए। अब आप मोदी जी की तरह नहीं, क्यों नहीं जरूर भाई, मैं किसान की बेटी भी हूँ, कांग्रेस की प्रवक्ता भी हूँ, सुन ले। नहीं मेरा भी सम्मान है, बात देखिए अपमान की बात है, सम्मान की बात नहीं है। नहीं बिल्कुल सुनूंगी, लेकिन आप झूठ मत, राजनीतिक रोटियां ना सेके मेरी बात सुने। गिरेबान में मत झगड़िए, आतंकवादी के आरोपियों का आपने संसद पहुंचाया, हमने नहीं पहुंचाया। तो गिरेबान में मत झगड़िए, लिबरलाइजेशन का वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं। और ऐसा होगा कि हमारे जो जो फार्मर्स हैं, हमारे जो अन्नदाता हैं, इनके जो इनका जो प्रोड्यूस है इसको अच्छा मूल्य मिलेगा। एक ऐसे इकोसिस्टम की, ऐसे वातावरण की हम सृष्टि करना चाहते हैं कि हमारे अन्नदाता को उसके उत्पादन के लिए अच्छा मूल्य मिले। इसी कमेंट और पर ऐसा कभी ना सोचे कि किसी व्यापारी या किसी कंपनी के कमेंट पर मैं बहस को आज रोकूंगा। मुझे लगता है कल भी इस पर बहस होगी, क्योंकि कल कृषि मंत्री के साथ सरकार की कमेटी के साथ किसानों की एक और फिर बैठक है। अफसोस सब पैनलिस्ट का, हरवीर सिंह की माफी चाहूंगा, मैं आपका आखिरी कमेंट नहीं ले पाया। मैं बता दूं देश की बहस में आज के सवाल का जवाब क्या है, क्या कृषि कानून पर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है? जो सरकार का आरोप है, हाँ कहते हैं 96% लोग और नहीं कहते हैं 4% लोग। फिलहाल देश की बहस में आज के लिए इतना है, लेकिन न्यूज़ स्टेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।